सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे। धनबाद परिसदन में स्वास्थ्य मंत्री ने ईडी द्वारा बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन पर कहा कि हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है, आज इस पर सुनवाई होने वाली है। न्यायालय के जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंधुआ मजदूर की तरह ईडी से काम करवा रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी का दिल जीतने के लिए जुर्म नहीं किया जाता है, मोहब्बत से दिल जीता जाता है। संवैधानिक रूप से झारखंड सरकार काम कर रही है। विपक्ष भले हेमंत सोरेन का विरोध कर रही है, लेकिन जीत संविधान की होगी। ईडी के बार बार बुलाए के बाद भी सीएम नहीं जा रहे हैं और आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है। विपक्ष इस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं कि वो ईडी से भाग रहे हैं। क्या कहेंगे मंत्री जी, ईडी और जो विपक्ष है और इधर मुख्यमंत्री जी, तो ये कहाँ पैच है जो जाना नहीं चाहते? नहीं देखिए, लेकिन देखिए लोकतांत्रिक लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की सरकार होती है और सरकार जब लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है तो हम लोग तो निश्चित तौर पर संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। ठीक है, ईडी ने नोटिस किया है, नोटिस के विकल्प में हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको माननीय उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अपना प्रतिवेदन दिया है, अपनी गुहार लगाई है। अब जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है, तो जुल्म करके किसी का दिल नहीं जीता जा सकता है। दिल जीतने के लिए आदमी को मोहब्बत से मोहब्बत की बातों को करना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, ना कि कोई अस्त्र शस्त्र और संविधान कानून का दुरुपयोग करके किसी को दबाना उचित नहीं है। कौन कर रहा है इसका? अब ये तो आप भी जानते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट है, बोलने के लिए है, लेकिन जिस तरीके से तानाशाही शासन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही करके कभी जो है आप पार्टी वाले को जेल भेज रही है, कभी किसी को जेल भेज रही है, कभी किसी के घर में छापा मार रही है, कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस के लोगों के घरों पर हमला हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का एक कुंठित प्रयास है, जिसका ये देश के लोग कभी इसको ये नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं उनको जो है बंधुआ मजदूर बनाकर अपने निहित स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग हो रहा है।